जून 2023 में डेविड ग्रश नाम के एक बंदे ने न्यूज़ नेशन को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ये बताया कि यूएसए का कनेक्शन है यूएपी से। यूएपी का मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना, जो कि इस केस में यूएफओ से रिलेटेड है और एलियन से रिलेटेड है, जिसमें आगे उन्होंने बताया कि यूएस गवर्नमेंट सालों से इन पे रिसर्च कर रही है। फिर इसके बाद 27 जुलाई 2023 में हाउस ओवरसाइट सब कमेटी ने एक हियरिंग रखा, जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कमेटी है अमेरिका में जो इन सब चीज़ों को देखती है। तो उसमें उन्होंने डेविड की एक हियरिंग रखी जिसमें डेविड ने फिर से यही बातें की कि यूएस का कनेक्शन है और यूएस कॉन्टैक्ट मतलब सेंचुरी से कॉन्टैक्ट में है एलियन से। फिर मतलब इतना कहते ही डेविड मतलब एकदम न्यूज़ में आ गए, हर तरफ उनकी बातें होने लगी कि इन्होंने क्या बोल दिया। बट इनसे पहले भी बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन डेविड ग्रश को ही लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, इसके लिए इनकी बायोग्राफी जाननी पड़ेगी। तो चलिए उसको देखते हैं। डेविड का जन्म 1965 में हुआ था और वो एक छोटे से टाउन में बड़े हुए थे मिडवेस्ट में। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया एयरफोर्स एकेडमी से एंड उसके आगे उन्होंने मास्टर्स भी किया इंटेलिजेंस स्टडीज़ में अमेरिकन मिलिट्री यूनिवर्सिटी से। और उसके करते ही 1983 में उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। 20 साल के लिए वो एयरफोर्स में रहे एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कई सारे प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम भी किया, जिनमें से वो बताते हैं कि उनमें से एक प्रोजेक्ट यूएफओ से भी रिलेटेड था, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद 2003 में वो रिटायर्ड हो गए और फिर प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करने लगे। तो इन्हीं सब अचीवमेंट के चलते गवर्नमेंट इन्हें सीरियस ले रही है, इवन लोग भी ले रहे हैं, बट गवर्नमेंट पहले ले रही है इन्हें, क्योंकि वो उन्हीं में से एक है। तो इसीलिए वो हियरिंग में आए हाउस ओवरसाइट सब कमेटी में और उन्होंने ये बताया कि कुछ क्रैश्ड क्राफ्ट में से नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स मिले थे, मतलब ऐसा कुछ डीएनए टाइप का, जिससे ये पता चल रहा है कि जो मतलब क्राफ्ट क्रैश हुआ है वो उसको कोई ह्यूमन नहीं चला रहा था। बट ऐसे कोई नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स उन्होंने देखा नहीं था। उनके जो कलीग्स थे जो कि हायर रैंक पे जिनका एक्सेस है वहाँ तक का, उनके एक इंटरव्यू में उन्हें उनसे पूछा था तो उन्हें वहाँ से उनको पता चला था। और उनके कलीग्स ने ये भी बताया कि गवर्नमेंट इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करने का भी ट्राई कर रही है, जिससे वो क्रैश क्राफ्ट को फिर से सही कर सके और जान सके मतलब एक्चुअली में ये काम कैसे कर रहा था। फिर आगे ग्रश ने बताया कि गवर्नमेंट अवेयर है नॉन ह्यूमन एक्टिविटी के लिए 1930s से, मतलब 1930s से गवर्नमेंट जानती है कि कुछ नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब जैसे लॉकडाउन में वो यूएफओ का फुटेज निकला था तो वैसा फुटेज मतलब बस आपको दिखाया गया, लेकिन उनके पास वैसा बहुत सारा फुटेज है जिस पर वो रिसर्च खुद कर रहे हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या। और मतलब ग्रश का ये मानना है कि गवर्नमेंट को पता चल गया वो क्या है, इसलिए उनको मतलब नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स भी उस चीज़ों से मिला और फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने का भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं। और ग्रश को जब ये पता चला था कि मतलब गवर्नमेंट के बारे में कि यूएफओ से रिलेटेड, तो ग्रश ने उसका एक्सेस लेने का भी ट्राई किया कि वो और इन्फॉर्मेशन लेके बता सके, मतलब जब लोगों को बताएंगे तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो लोग उन पर बिलीव करेंगे। तो इसीलिए वो मतलब वहाँ का सीक्रेट प्रोग्राम का एक्सेस चाहते थे, बट उन्हें एक्सेस मिला नहीं। हालांकि वो मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर भी थे एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर, बट फिर भी उन्हें एक्सेस नहीं मिला क्योंकि उसके लिए मतलब और हाईर रैंक चाहिए होती है, जो कि उनके कुछ कलीग्स के पास थी बट उनके पास नहीं थी, क्योंकि जब वो एक्सेस लेने गए तो गवर्नमेंट ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। फिर ग्रश ने बताया कि कई सारे वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो यूएपी मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना एक्सपेरिमेंट पे काम भी कर रहे थे इन्हीं एलियन बायोलॉजिक से रिलेटेड, और वो घायल भी हो गए थे इन्हीं एक्सपेरिमेंट के चलते हुए, बट ये अनऑफिशियल डेटा है इसीलिए किसी को पता नहीं है। और बहुत सारे मतलब लोग तो ऐसे थे मतलब जो वहाँ काम करते थे जो मतलब डेविड की तरह ही थे, जो इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि ये सीक्रेट प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है, बट फेडरल ऑफिसर ने मतलब उन्हें ट्रैक कर लिया, मतलब वो समझ गए थे कि ये लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो उन्हें थ्रेटन किया गया, हैरास किया गया और मतलब कईयों को तो इंजर्ड भी किया गया। बट डेविड ने कभी भी एक्चुअल यूएफओ देखा नहीं, मतलब यूएफओ का कोई क्राफ्ट या नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स का कोई प्रूफ। ये तो बातें उन्हें हाई जो लेवल इंटेलिजेंस ऑफिशियल थे कई सारे, मतलब एक नहीं कोई, कई सारे से उन्होंने पूछा था एक इंटरव्यू में, मतलब उनका पर्सनल कुछ इंटरव्यू होगा उसी में उन्हें पूछा था ये बात, फिर उन्हें पता चला था ये बातें।
अब ऐसा नहीं कि उन ऑफिशियल्स ने इनसे झूठ बोल दिया होगा, क्योंकि ये वो उसके कलीग भी थे और डेविड की क्वालिफिकेशन तो मैंने बताया ही, उसे लगता है कि मतलब कोई मतलब एवरेज बंदे तो है नहीं वो, उसे उन्हें पता चलेगा ना कि कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, मतलब एक आइडिया हो जाता है क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने इसीलिए न्यूज़ नेशन को इंटरव्यू दिया फिर, और फिर ये सारी बातें उन्होंने उनको बताई, और फिर उसके बाद हाउस ओवरसाइट कमेटी में भी आके उन्होंने सबको एक एक करके एक्सप्लेन किया कि क्या है। हालांकि उन्होंने उन ऑफिशियल्स लोगों का नाम नहीं बताया, वो ऑब्वियस है कि नाम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट उन्हीं पे एक्शन लेने लगेगी। बट फिर पेंटागन ने इस क्लेम को डिनाई कर दिया, उन्होंने बोला कि UFO, ना ही मुझे कोई UFO मिला, ना ही कोई ह्यूमन बायोलॉजिक्स, ना ही कोई रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट। बट कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये पहले नहीं थे जिन्होंने ऐसा क्लेम किया था, इससे पहले तो एक और थे जो कि उन्होंने बताया कि वो वहीं काम करते थे, उनका नाम था बॉब लेजार। और बॉब लेजार का क्लेम ये था कि वो एरिया 51 के एक फैकल्टी में काम कर रहे हैं जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। उनका ये दावा था कि वो उसी फैकल्टी के मेंबर हैं, वो एक फिजिसिस्ट हैं और इंजीनियर भी हैं जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब बॉब लेजार है कौन? तो बॉब लेजार का जन्म 26 जनवरी 1959 में फ्लोरिडा में हुआ था और वो मायामी में बड़े हुए थे, और बचपन से ही मैंने उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो इसीलिए हाई स्कूल के बाद उन्होंने मतलब हायर स्टडी परस्यू किया फिजिक्स में। बट उनका क्वालिफिकेशन जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके पास MIT एंड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्रीज हैं, बट इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला कि वो वहाँ पढ़ते थे जब गवर्नमेंट ने उन्हें चेक किया तो। और इनको बॉब लेजार को पहली बार पब्लिक अटेंशन 1989 में मिला था जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था लास वेगास न्यूज़ स्टेशन को, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एरिया 51 की एक फैकल्टी में काम करते हैं जिस फैकल्टी का नाम है S4, और वो फैकल्टी मतलब इसी रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब जिनको रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं पता मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मतलब जैसे कोई UFO क्रैश हो गया तो फिर हमें ये नहीं पता ना कि वो काम कैसे करता था, तो उसको सही करना, तो स्पेशली ये लोग प्रोपल्शन सिस्टम जानना चाहते थे कि UFO इतना अजीब तरह मूव कैसे करता है, तो इसलिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे कि ये जान सकें कि इनका प्रोपल्शन सिस्टम है क्या। फिर उन्होंने मतलब आगे ये क्लेम किया कि जो मतलब फ्लाइंग सॉसर पे वो काम कर रहे थे वो मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन का है, मतलब अपने सोलर सिस्टम का नहीं है, वो कहीं और से आया था और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जो मतलब ह्यूमन की कैपेबिलिटी में नहीं है अभी, मतलब अभी ह्यूमन उसे समझ नहीं सकते, और उसी समझने के लिए वो हेल्प कर रहे थे उस फैकल्टी में। फिर उन्होंने बताया कि जो उनका उस फ्लाइंग सॉसर का प्रोपल्शन सिस्टम है वो मतलब उसके लिए एक अलग फ्यूल यूज़ होता है जिसका नाम उन्होंने दिया एलिमेंट 115, जो उस टाइम खोजा भी नहीं गया था, जैसे नॉर्मल रॉकेट में यूज़ नहीं होता है हाइड्रोजन, बट उस फ्लाइंग सॉसर में यूज़ हो रहा था एलिमेंट 15 जिसका नाम भी नहीं पड़ा था उस टाइम, उसे एलिमेंट 115 ही बोलते थे इसलिए क्योंकि वो खोजा ही नहीं गया था। इन्होंने ये इंटरव्यू में 1989 में बताया था कि 115 का यूज़ होता है एलिमेंट, बट 115 खोजा गया 2003 में, और इवन खोजा भी नहीं गया, इसे सिंथेसाइज किया गया, मतलब इसे लैब में बनाया गया, रशियन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसे बनाया था 2003 में जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो कि रशिया में है वहाँ पे, और फिर इसका नाम पड़ा मॉस्कोवियम जिसका मतलब एटॉमिक सिंबल है MC, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट है। इसका मतलब शॉर्ट लिव का मतलब है कि रेडियो एक्टिव डीके इसमें हुआ करता है जिससे ये लाइटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत ही अनस्टेबल था, इसी के चलते इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है मतलब और क्या होगी वो नहीं जान पाए साइंटिस्ट, क्योंकि एक तो वैसे इसे सिंथेसाइज किया गया था और ये इतना अनस्टेबल है तो इसकी प्रॉपर्टी मतलब अभी लिमिटेड है, मतलब उन्हें पता नहीं था कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, ये यूज़ हो भी सकता है एज ए मतलब फ्यूल की नहीं। बट जब ये नॉर्मल साइंटिस्ट को पता चला तो उन्होंने कम्प्लीटली मतलब डिसएग्री कर दिया कि मतलब एलिमेंट 115 का भी यूज़ ही नहीं हो सकता एक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए, मतलब एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। बट मतलब बॉब लेजार ऐसा नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि जब एलिमेंट 115 को बॉम्बार्ड करते हैं प्रोटॉन से तो एक आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि वो फ्लाइंग सॉसर एज ए मतलब प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ कर रहा था,
बट और साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं माना, कि उन्होंने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबल है कि नहीं, मतलब वो जो ये बोल रहे हैं नॉर्मल साइंटिस्ट, वो पता नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के बोल रहे हैं या उन्होंने एक्चुअल में बॉम्बार्ड किया था प्रोटॉन से। और फिर बॉब लेजर पे कई सारे टेस्ट हुए, मतलब कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं, वो लाई डिटेक्टिंग वाला जो टेस्ट होता है, तो उन सबको तो वो पास कर गए थे। बट फिर भी बहुत कम ही लोग उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि उस टाइम 90s में ये बहुत था कि कुछ भी बोल के फेमस होना है, तो उसी से रिलेट करके लोग इनकी बातों को नहीं मानते हैं। और इन्होंने जो डिग्री अपनी बताई थी कि MIT से हैं, यहाँ से वहाँ से, तो उसके ऊपर भी इनका कोई मतलब सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। तो अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि ये है कि अगर गवर्नमेंट को पता है ये सब कि मतलब UFOs और एलियंस के बारे में, तो पब्लिक को बता क्यों नहीं रही है, एक ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रही है UFO से रिलेटेड, क्योंकि भाई सबका इंटरेस्ट है, सबको जानना है। बट गवर्नमेंट ऐसा मानती कि मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा मानती है कि अगर उन्होंने रिवील किया तो केओस हो जाएगा, दंगे होंगे, ये सब वो सब। और मतलब अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो ऐसा मतलब हो सकता है, क्योंकि अगर तुम एलियंस के बारे में किसी से बात करने जाओ, कोई भी कॉमन बंदा जो साइंस में उतना इंटरेस्ट ना हो, तो वो क्या बोलेगा? या अपने मम्मी पापा से बात करो इन सब के बारे में, तो वो क्या बोलेंगे? वो डायरेक्ट बोलने की ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान ने हमें बनाया है, मतलब वो सब रिलीजियस वाली बातें। तो अगर उनको अचानक से एक सॉलिड प्रूफ गवर्नमेंट दे दे, तो फिर उनकी बिलीव्स को मतलब इफेक्ट करेगा ना, वो भी जान जाएंगे मतलब कि रियलिटी क्या है ये वो, तो हो सकता है मतलब वो दूसरी तरह से रिएक्ट करे। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजियस पीपल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऐसे भी होंगे जो साइंस मतलब जो हार्ड कोर साइंस वाले हैं, जिनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, निहिलिज्म, ये सब थॉट्स आते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो ये सब थॉट्स का यही मतलब होता है कि मतलब वो लोग अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, मैं तो बस एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस हूँ, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हूँ, तो अपने आप को बहुत ही मतलब अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं वो लोग जिनको ये सब थॉट्स आते हैं। तो जब एलियंस की एग्जिस्टेंस प्रूफ हो जाएगी, तब तो उनको और ये सब आएगा कि ये लो भाई, ये तो यूनिवर्स पूरा एलियंस से भरा हुआ है और हर जगह लाइफ अपने आप ही स्टार्ट हुई है। क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही थी, पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज होती गई, फिर एक ऐसी पोजीशन आ गई जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर गई। तो इसीलिए कहते हैं मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है। एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करें तो जो गवर्नमेंट जो छुपा रही है, वो कुछ हद तक सही भी कर रही है, अगर कर रही है तो। ये एक थ्योरी है बस। और बस वीडियो में इतना ही था, जितना मतलब मैंने देखा था न्यूज़ में, बस उतना ही था। थैंक्स।